रोड शो था मायावती की पार्टी बसपा का, लेकिन नारे लग रहे थे अखिलेश के कदम्बर नेता मोहम्मद आजम खान के। आपका भी दिमाग चकरा गया ना कि आखिर चल क्या रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं प्रत्याशियों के नामांकन के आखिरी दिन की तरह पहले चरण की वोटिंग से पहले भी कुछ खेल हो गया। दरअसल ये वीडियो रामपुर का बताया जा रहा है, जहां पहले चरण में वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से 3 दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगा। दावा किया जा रहा है कि बसपा प्रत्याशी जिशान खान रामपुर में रोड शो निकाल रहे थे, इसी दौरान उनके समर्थक जोर शोर से आजम और उनके परिवार के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। और तो और, आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को सलाखों के पीछे दिखाते हुए बैनर भी लगाया गया। अब सवाल ये है कि इसके पीछे मायावती संदेश क्या देना चाहती हैं? एक तो अखिलेश ने रामपुर में आजम की बात नहीं मानी, न तो वो खुद चुनावी मैदान में उतरे और न ही चुनाव प्रचार में उनके करीबी लोगों का साथ लिया जा रहा है। शायद सपा की इन्हीं अंदरूनी कलह का फायदा बसपा ने उठा लिया है। चर्चा तो भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं आजम खान मायावती से मिल गए हों। फिलहाल इन दिनों आजम खान का पूरा परिवार जेल में बंद है। रामपुर में उनकी पत्नी सलाखों की कैद में है, तो सीतापुर में खुद आजम खान और हरदोई जेल में बेटे अब्दुल्ला। ऐसे में उनके प्रति बसपा का ये इमोशनल कार्ड रामपुर की जनता को कितना रिझा पाएगा वो देखना दिलचस्प होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।